Hello student, I am Subhash Asthana, chemistry teacher. Today topic is chemical kinetics. तो इस लेसन से परीक्षा में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कुछ वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग आते हैं। सबसे पहले बताएंगे व्हाट इज ए केमिकल काइनेटिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर प्रेशर सो ऑन। सो नाउ फर्स्ट सेटिंग इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन। Change in the concentration of reactant or product with time is called rate of reaction. Unit of rate of reaction is mole per liter per second. So, rate of reaction of reactant it decreases with time or product is increases with time. कहने का मतलब है कि अभिक्रिया की जो रेट होती है समय के साथ साथ रिएक्टेंट की घटेगी और प्रोडक्ट क्या होगी बढ़ती जाएगी। दिस इज द फर्स्ट। जैसे किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन लिखने से ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ए क्या है अभिकारक या रिएक्टेंट, बी क्या प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन कहां से आता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से आर इज इक्वल टू माइनस डेल एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन डेल टी। ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, ए क्या अभिकारक है, बी क्या है उत्पाद है, दैट इज ए रिएक्टेंट, बी इज ए प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू माइनस डेल एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए। नाउ सेकेंड टर्म इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यदि चेंज इन द इफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ इट टाइम इट इज कॉल्ड रेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में क्या होता है, किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में किसी क्षण जो परिवर्तन हो उसे क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सपोज किया ए क्या है अभिकारक, ए इज रिएक्टेंट, बी प्रोडक्ट उत्पाद है, इसका इंस्टेंटेनियस रेट के लिए क्या लग जाएगा, यहाँ डी आ जाता है, डी अभिकारक की सांद्रता माइनस में डी एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन डी टी। ये हो गई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या लगता है, माइनस साइन अभिकारक के लिए प्लस साइन उत्पाद के लिए। नेक्स्ट एडिंग इज रेट लॉ। नाउ वी डिफाइन व्हाट इज द रेट लॉ। रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन रिजल्ट कुछ एक्सप्रेस इन द कंसंट्रेशन पावर। नाउ जैसे एक कर्ण आर इज इक्वल टू के ए इंटू पी, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, दिस इज द रेट लॉ। नाउ के इज द रेट कॉन्स्टेंट, ए इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बी इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, दैट इज ए कन्वर्ट इन टू बी, तो दिस इज द रेट लॉ, ए प्लस बी गिविंग सी, दैट इज रेट आर इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। इन रेट लॉ वी एक्सप्रेस ओनली द रिएक्टेंट टर्म नॉट प्रोडक्ट, इट इज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। नाउ वी डिफाइन व्हाट इज रेट कॉन्स्टेंट। रेट कॉन्स्टेंट is defined as rate of reaction equal if A is equal to B, A is equal to B is equal to unit mass is 1, then R is equal to K हो जाएगा,
rate of reaction is equal to rate constant when concentration of each reactant term is taken to be unity. अगर अभिकारक की सारी सांद्रता एक हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए, रेट स्थिरांक के बराबर हो जाए, उसे क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, सेकेंड इनवर्स, यूनिट इज सेकेंड की पावर माइनस वन, दिस इज द रेट कांस्टेंट। नाउ थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।